दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो काफ़ी बड़े मात्रा में धांधली हो रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी वादा किए थे कि एग्ज़ाम काफ़ी क्लीन होगा, काफ़ी नेट एंड क्लीन होगा, इसमें कोई धांधली नहीं होगा। बट जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, एक से एक सच्चाई की न्यूज़ सामने आने लगी गवर्नमेंट के। तो इसमें दोस्तों होता है क्या कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का तैयारी दिन रात करके एक करके एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, और एग्जामिनेशन के समय फर्जीवाड़ा से होकर दूसरे कैंडिडेट सक्सेस हो जाते हैं पैसे के बदौलत, तो ये काफ़ी दुखी की बात होती है वैसे स्टूडेंट के लिए जो दिलो दिन से मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो में वैसे बात करेंगे, एक न्यूज़ आई है दैनिक जागरण में, जो कि यहाँ पे जैसे आप हेडलाइन देख रहे हैं कि 20,000 रुपये में टॉपर से बदल दिए जाते थे कैंडिडेट। तो एक कंप्लीट न्यूज़ का है क्या है, आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिखाएंगे न्यूज़ क्या है कि RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अभिषेक का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। 20,000 रुपये में टॉपर स्टूडेंट को लगा दिया जाता था और असली कैंडिडेट बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाते थे। नौकरी के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़ा के इस बड़े खेल का खुलासा RPF ने किया। पुलिस के हाथ आए दो स्टूडेंट ने बड़ा राज खोला है। पटना पुलिस मामले के मास्टरमाइंड अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों ये छापेमारी पकड़ा गया है, बट इसके पीछे पता नहीं कितने मास्टरमाइंड अभी भी काम कर रहे होंगे जो पकड़ में नहीं आए होंगे। तो उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है कि सरगना को ढूंढ रही है पुलिस। मंगलवार 18 सितंबर RRB द्वारा ली जा रही ग्रुप डी की परीक्षा में दो परीक्षार्थियों को RPF और सेंटर इंचार्ज ने शक के आधार पर पकड़ा। शुरू में मामला में सामान लगा, लेकिन पूछताछ में जब दोनों स्टूडेंट ने राज खोला तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मामला बड़े नेटवर्क से जुड़ा निकला, जिसकी कमान अभिषेक के हाथ में थी। पुलिस का कहना है कि सेटिंग बड़ी तगड़ी और इसमें कई मास्टरमाइंड शामिल हैं। पूछताछ में जो राज सामने आया है, फरार चल रहे अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। मेन क्या है न्यूज़ देखते हैं कि देता था पैसों का लालच। पुलिस के हाथ आई राहुल कुमार वाल्मीकि सिंह का बेटा है और वह शेरपुरा थाना जहांदार का निवासी है, जबकि रंजीत कुमार सुनील कुमार यादव का पुत्र है, वह लोहरिया सराय जिला दरभंगा का रहने वाला है। दोनों ने पाटलिपुत्र घना की पुलिस की पूछताछ से बताया कि 20,000 रुपये का लालच देकर उन्हें कैंडिडेट की जगह बैठा देने के लिए कहा गया था। तो पुलिस की सुनवाई फर्जीवाड़े की स्टोरी। दोनों पकड़े गए स्टूडेंट में इंजीनियर के स्टूडेंट एक एन ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि अभिषेक की सेटिंग से यह वह आए थे, वह पर अभिषेक को पर्सनली नहीं जानते हैं, उन्हें 20,000 रुपये का लोभ देकर परीक्षा में बैठाया गया था। तो दोस्तों ऐसे एग्जामिनेशन में फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट शक के आधार पर आप पाया जाता है तो आप तुरंत ही एग्जामिनर को सूचित करें और अपने पुलिस नज़दीक के थाने में सूचित करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।